नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष एंड आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एमडीयू एडमिशन के बारे में कि भाई आपके जो 10 मई से एडमिशन स्टार्ट होने वाले थे वो स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके अलावा अगर आप एमडीयू में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट कौन से आपके पास होने चाहिए उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, राइट। तो वीडियो कहीं भी आपको स्किप नहीं करनी है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो कॉलेज में तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो हो सकती है। वीडियो शुरू करने से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आप सुन लीजिए कि भाई अगर आप कोई भी फॉर्म फिल करवाना चाहते हो, चाहे वो एडमिशन रिलेटेड है चाहे वो आपका जॉब रिलेटेड है, अगर आप फॉर्म फिल करवाना चाहते हो तो उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, राइट। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पे जाके आप हमें मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे एंड जितनी भी डिटेल्स है आपको बता दी जाएंगी, डॉक्यूमेंट जो है वो आपको बता दी जाएंगे एंड कंप्लीट ऐसे आपका फॉर्म फिल कर दिया जाएगा, राइट। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले एडमिशन के बारे में कि भाई आपके जो एडमिशन है वो स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो वो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए भाई एमडीयू की ने हर बार अब की बार भी डेट रिलीज कर दी थी बट इन्होंने अभी तक पोर्टल ओपन नहीं किया है। अगर हम बात करें लिंक की तो लिंक भी इन्होंने अभी तक नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे आपको डिस्टेंस का लिंक दिख रहा होगा बट यहाँ पे रेगुलर के लिए कोई भी लिंक अभी तक नहीं आया है, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें भाई यहाँ पे एडमिशन नोटिस की या फिर बात करें प्रोस्पेक्टस की तो ऐसा भी कुछ हमें अभी तक वेबसाइट पे देखने को नहीं मिला है, ना ही तो इनका अभी तक कोई नोटिस आया है एडमिशन को लेकर, ना ही कोई प्रोस्पेक्टस आया है यूजी का या पीजी का। आपको यहाँ पे पीजी का प्रोग्राम सेशन 23-24 दिख रहा होगा बट यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो है डेट्स के बारे में, राइट, कि भाई कब से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, उसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम आपको किस किस कोर्स के लिए देना होगा, है ना। तो भाई ये है आपका एमडीयू का जो पोर्टल है वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो जैसे ही कोई एडमिशन के रिगार्डिंग अपडेट आता है, कोई नोटिफिकेशन आती है, कोई प्रोस्पेक्टस आता है तो आपको बता दिया जाएगा। साथ ही साथ जैसे ही पोर्टल ओपन होता है तो कंप्लीट फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फिल करना है उसकी भी कंप्लीट वीडियो चैनल पर आ जाएगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में कि भाई अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास कौन से होने चाहिए, राइट। तो सबसे पहले भाई आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अब देखिए मोस्टली ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके पास 12th की मार्कशीट नहीं होगी क्योंकि अभी तक तो आपका रिजल्ट भी नहीं आया है और रिजल्ट आने के करीब 1 या 1.5 महीने के बाद आपकी मार्कशीट आती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा भाई, आपको रिजल्ट की कॉपी आप अपने फॉर्म में लगा सकते हो और जैसे आपका जो मार्कशीट आती है उसके बाद आप उसको अपने कॉलेज में जाके उसकी वेरिफिकेशन आप करवा सकते हो, राइट। तो भाई आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट है तो मार्कशीट लगा सकते हो या फिर आप रिजल्ट लगा सकते हो। उसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हो तो भाई आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, राइट। उसके अलावा भाई माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो आपको कॉलेज से या स्कूल से मिलेगा। उसके अलावा भाई आपके पास गैप ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपके कोई गैप है। उसके अलावा भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी आपको कॉलेज से या स्कूल से मिलेगा। उसके अलावा आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए जिसे हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ये आप किसी भी सीएससी से जाके बनवा सकते हो। उसके अलावा भाई बात करते हैं यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की, अगर आपके अदर क्लास एससी एसटी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा भाई आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपकी इनकम जो है वो 2,50,000 से कम है, 2.5 लाख से कम आपकी इनकम है तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा भाई अगर आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना चाहते हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगर आप हैंडीकैप हो तो हैंडीकैप का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंटी रैगिंग वगैरह के जो सर्टिफिकेट होते हैं ये आपको प्रोस्पेक्टस से मिल जाएंगे, राइट। तो इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट थे भाई वो ये थे आपके 10th 12th आधार कार्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप ईयर अगर कोई है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हरियाणा का डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये जो डॉक्यूमेंट है ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो भाई अगर आपने अभी तक ये सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट आपने नहीं बनवाए तो आप बनवा सकते हो। बनवाने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है या फिर जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपको आपके स्कूल से मिलेगा। उसके अलावा भाई गैप जो सर्टिफिकेट गैप ईयर सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं वो आप कोर्ट से बनवा सकते हो, कोर्ट के बाहर जो टाइपिस्ट बैठे रहते हैं वो आपका गैप ईयर आपको बना के दे देंगे, राइट। उसके अलावा भाई हम बात करें कास्ट सर्टिफिकेट की तो अगर आप एससी बीसी कैटेगरी से हैं, आप एससी कैटेगरी का या बीसी ए कैटेगरी का बीसी बी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप किसी भी सीएससी पर जाके अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी बनवाने के लिए, सिर्फ आपकी फैमिली आईडी चाहिए। फैमिली आईडी से एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी जैसे आप सबमिट करोगे तो एक दिन के अंदर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनकर आ जाएगा, राइट। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो तो मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसके लिए आपको सीएससी पे जाना होगा, फाइल लगती है उसके लिए भी, डोमिसाइल के लिए भी फाइल होती है। तो भाई ये जो कुछ एक सर्टिफिकेट है ये आप बनवा लीजिएगा,
ताकि एडमिशन लेते टाइम आपको कोई भी दिक्कत ना हो, किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से आपका एडमिशन ना रहे, राइट। सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन इनकी होती है एडमिशन के बाद। जैसे आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, आप कॉलेज में जाते हो वेरिफिकेशन के लिए, तो वहां पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है, राइट। जो है कि आपके एडमिशन जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, हो सकता है जो आपका 12th का रिजल्ट जो लेट है अभी, उसकी वजह से भी हो सकता है पोर्टल इन्होंने अभी ओपन नहीं किया हो। तो जैसे पोर्टल ओपन होता है आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, कंप्लीट वीडियो चैनल पर डाल दी जाएगी कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी फॉर्म फिल करवाने के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। फॉर्म सबमिट होने से पहले उसका प्रीव्यू जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, ताकि कोई भी गलती फॉर्म में ना हो, राइट। पूरा फॉर्म चेक होने के बाद कंप्लीट उसका सबमिट किया जाएगा, एंड इस तरह से बिना किसी गलती के आपका जो फॉर्म घर बैठे फिल कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।